मेरा नाम डॉक्टर केसी डोगरा है, मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर उधमपुर हूँ। आपको सबको पता है कोविड पैंडेमिक है, सिंपल चीज़ें करने से हम इससे बच सकते हैं। तीन जैसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना है, जैसे मैंने पहना हुआ है, आपने पहना हुआ है, सब लोगों को चाहिए मास्क पहने, और मास्क भी प्रॉपर मास्क पहने। ऐसा ना हो, कई बार मैं देखता हूँ लोग जो है नाक के नीचे मास्क होती है, प्रॉपर मास्क पहनेंगे, नाक भी कवर होना चाहिए, मुंह भी कवर होना चाहिए, प्रॉपर मास्किंग, सिंपल सा काम है मास्क करना। सेकंड, दो गज की दूरी, एक बंदे से दूसरे बंदे दो गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग इसको बोलते हैं। और तीसरी चीज़ है हाथ बार बार धोना साबुन पानी से, सबसे बढ़िया है साबुन पानी से हाथ धोना। अगर आपके पास वो वॉशेबल नहीं है तब आप सैनिटाइजर से हाथ साफ कर सकते हैं। तीन चीज़ें करने से हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, सोसाइटी को बचा सकते हैं, सबको बचा सकते हैं। हमारे यहाँ पे कंट्रोल रूम सेटल्ड हैं 24/7। एक हमारा जो है कंट्रोल रूम है, जहाँ हमारा स्टाफ जो है पैरामेडिकल और डॉक्टर्स जो हैं राउंड द क्लॉक लगे हुए हैं। उसका नंबर है 01992-272728। ये हमारे डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम बना हुआ है, हमारे वहाँ डॉक्टर्स हैं। किसी को भी कोई कोविड के बारे में दिक्कत लगती है, परेशानी लगती है, इमीडिएटली वहाँ फोन डायल करें, आपकी मदद होगी। दूसरा हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में, उसका नंबर है 94192-16042। दोबारा रिपीट करूँगा, 94192-16042। यहाँ भी हमारे डॉक्टर्स जो हैं 24/7 अटेंड करेंगे। किसी को कोई परेशानी लगती है इमीडिएटली वो एडवाइज़ करें। अगर किसी की भी सैचुरेशन फॉल करती है तो 108 डायल करें, तो एमरजेंसी जो हमारी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस है इमीडिएटली उनके घर पर पहुँचेगी, उसको जो इमीडिएटली कंसर्न नियर बाई हॉस्पिटल में पहुँचा दिया जाएगा। और वी आर हैविंग सफिशेंट ऑक्सीजन सप्लाई, सफिशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट है। हमारे यहाँ पे तीन जो है कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं, और हमारे कोविड केयर सेंटर्स भी बने हुए हैं, कोविड केयर सेंटर्स और हेल्थ सेंटर दोनों बने हुए हैं, प्रॉपर वहाँ अरेंजमेंट है। किसी को भी दिक्कत लगती है तो इमीजिएटली रिपोर्ट करें, ताकि उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिल पाए। और आइसोलेशन में एक आपकी को बताना चाहूँगा, जब भी कोई आइसोलेशन में पेशेंट है उसको हम एक पल्स ऑक्सीमीटर देते हैं, वो एक सैचुरेशन चेक करता है अपनी। मान लो 90 से ऊपर है तो घबराने की कोई बात नहीं है, 90 से नीचे आती है इमीजिएटली वो जो नंबर हमने एमरजेंसी में दिए हैं कंट्रोल रूम के, या जो हमारा हेल्थ एम्प्लॉई जो है आशा वर्कर, जो हमारी आशा आर्मी है जो उसको अटेंड कर रही है, इमीजिएटली बताएंगे। हमारा एक सिस्टम पूरा बना हुआ है, तो इमीजिएटली पेशेंट को 108 एम्बुलेंस से शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जो लोग आइसोलेशन में, उनको ध्यान रखना है, वो अकेले कमरे में रहेंगे, बाथरूम उनको अपना एक अलग से यूज़ करना है, यूटेंसिल जो रखे हैं वो अलग से रखने हैं, और बाकी को भी प्रिवेंशन लेनी है। जो उसको खाना प्रोवाइड करता है दूर से खाना प्रोवाइड करेगा, एक टेबल लगा दें ताकि उसको अलग भी रखना है और बाकियों को भी बचाना है, ताकि दूसरे लोगों को जो है इन्फेक्शन ना हो जाए। और इसी के साथ हम सब लोग जब मिलके करेंगे, एक आदमी का काम नहीं है, तो हम कोरोना पे जीत ले पाएंगे।